हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक के बारे में और आपको इस वीडियो से आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम कोई पोस्ट करते हैं तब उसके ऊपर हम कैसे ब्लू कलर के अंदर हम लिख सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर यह वीडियो होने वाली है। अगर आप भी एक फेसबुक यूजर हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो उस पोस्ट के ऊपर कैसे आप ब्लू कलर के अंदर आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स ब्लैक कलर के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ब्लू कलर के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे आप फेसबुक में ब्लू कलर के अंदर लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल बेल आइकन को सिलेक्ट करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। फोन की स्क्रीन पर आ जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको फेसबुक ऐप को ओपन करना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप ब्लू कलर के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, समथिंग राइट हेयर के ऊपर क्लिक करके आपको जो भी फ़ोटो सिलेक्ट करनी है वह फ़ोटो एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उस फोटो या वीडियो के ऊपर जो भी स्टेटस लिखना है, फिर जो भी लाइन लिखनी है वह आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा कि कैसे आप ब्लू कलर के अंदर कोई भी स्टेटस या फिर कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और दोनों तरीक़ों को आप समझना। जो पहला तरीका है, जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर इस वाले के ऊपर, तो जो मैंने जो भी वर्ड है उसके आगे मैंने एक हैश टैग लगा दिया है। जैसे मैंने हैश टैग लगाया, उस वर्ड का कलर चेंज हो गया। फिर मैंने देखो हैप्पीनेस के आगे हैश टैग लगाया, इसका कलर चेंज हो गया। इनके आगे मैंने हैश टैग लगाया, इसका कलर चेंज हो गया। फिर मैंने लाइफ के आगे मैंने हैश टैग नहीं लगाया, तो इसका कलर आप देख रहे हैं कि ब्लैक है। इसके बाद आप देख रहे हैं बाकी सभी वर्ड्स के आगे मैंने हैश टैग लगाया, उन सभी वर्ड्स का कलर चेंज हो गया। मैंने हाउ के आगे हैश टैग नहीं लगाया, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसके आगे मैंने नहीं लगाया, उसका भी नहीं हुआ। और फिर दोबारा इज है तो इसके ऊपर भी नहीं लगा, इसके आगे भी मैंने नहीं लगाया, और इट के आगे भी मैंने नहीं लगाया। तो पहला तरीका यह है, आप जो भी वर्ड लिख रहे हैं उसके आगे आप हैश टैग लगा के उस वर्ड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका यह है, आप देख रहे हैं नीचे मैंने हैप्पीनेस के आगे मैंने एक हैश टैग लगाया और बाकी सभी वर्ड्स का कलर चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप पहले तरीके से आप समझ गए हैं कि कैसे हम किसी भी वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं ब्लू कलर के अंदर। और आप दूसरा तरीके से समझिए, आप देख रहे हैं जो पहला वर्ड है उसके आगे मैंने हैश टैग लगाया है, इसके बाद मैंने किसी भी वर्ड के आगे हैश टैग नहीं लगाया है और सभी वर्ड्स के कलर चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इन सभी वर्ड्स के जो बीच में जो स्पेस था वह मैंने ख़त्म करके एक नीचे डैश लगा दिया है। एक डैश बीच में आता है, अगर आप उस बीच वाले डैश को लगाओगे तो आपका जो वर्ड है उसका कलर चेंज नहीं होगा। आपको नीचे वाला जो डैश लगा रखा है मैंने, आप ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स, जो नीचे का जो डैश है वही आपको भी लगाना है अपनी जो भी स्टेटस लगाते हो उसके अंदर। और स्पेस नहीं देना है किसी भी वर्ड के अंदर। अगर आप स्पेस दोगे तो स्पेस देने के बाद जितने भी वर्ड बच गए उसका कलर चेंज नहीं होगा आपको, इसलिए आपको स्पेस नहीं देना है। स्पेस ख़त्म करके आपको नीचे जो डैश का निशान दिखाई दे रहा है ऐसा ही डैश आपको अपने स्टेटस में लगाना है। और फिर आप अपने जो भी स्टेटस लगाते हैं अपने फेसबुक में, जो भी कोई पोस्ट करते हैं या फिर जो भी पोस्ट के ऊपर आप कोई भी लाइन लिखते हैं या स्टेटस लिखते हैं, उस लाइन का आप कलर चेंज कर सकते हैं वो भी ब्लू कलर के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है आपको भी वैसे ही करना है। फिर आप भी अपने फेसबुक में जब कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप ब्लू कलर के अंदर आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं या कोई भी स्टेटस आप लिख सकते हैं। और उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।